भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। साल 1980 में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। आज इस वीडियो में हम आपको बीजेपी के ऐसे मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे जो विपक्षी दलों से बीजेपी में आए और आते ही छा गए। इन नेताओं को आने के तुरंत बाद या कुछ समय बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। सबसे पहले बात असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की। हिमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। असम के जोरहाट में पैदा हुए सरमा ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। साल 2001 से 2015 तक जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस का दबदबा कायम रखा। 15 साल तक वो इस सीट से विधायक रहे। इतना ही नहीं, 2011 के असम विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आखिरकार हिमंत बिस्वा सरमा ने 2015 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद साल 2016 असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सर्बानंद सोनोवाल के अलावा हिमंत बिस्वा सरमा की अहम भूमिका रही। 2016 में तो सर्बानंद सोनोवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया, लेकिन जब साल 2021 में बीजेपी को दोबारा असम में जीत मिली तो सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली बुला लिया गया और हिमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बात त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की। माणिक साहा 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और 2020 में उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। चलिए अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की। पेमा खांडू ने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से की थी। उनके पिता भी अरुणाचल प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेता थे। 16 जुलाई 2016 को पेमा कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए, लेकिन सितंबर 2016 में ही वो कांग्रेस के 43 विधायकों के साथ उन्होंने पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश बना ली थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 3 महीने बाद यानी दिसंबर 2016 में वो अपने 33 विधायकों के साथ पूरी तरह बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री बन गए। इन सबके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इस लिस्ट में आते हैं। लगातार 3 बार विधायक बनने के बाद एन बीरेन सिंह का कांग्रेस से तनाव बढ़ गया और फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। साल 2017 में एन बीरेन सिंह भाजपा से विधायक बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में भी वो जीते और लगातार 5वीं बार विधायक बने। इस कामयाबी के बाद उन्हें फिर से सीएम की कुर्सी मिल गई। और अंत में बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की, जिन्होंने 2008 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके पहले उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1998 में जनता दल से की थी।